नमस्ते, सदाब वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो है कंपोजिट मटेरियल्स को लेकर। आज के समय में कंपोजिट मटेरियल का प्रभाव काफी बढ़ गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में किया जा रहा है। ऐसे में भारत अपने डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज के समय में इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो वायु हो, या फिर पानी के इक्विपमेंट्स हो, उन सभी में मिश्रित सामग्री, जिसे कि हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग गुणों के साथ दो से अधिक जो मटेरियल्स होते हैं, यानी कि सामग्रियाँ होती हैं, उनका ये संयोजन होता है, जो कि बहुत ही विशिष्ट तरीके से काम करते हैं। कंपोजिट मटेरियल लगभग सभी उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली एक हाई परफॉर्मेंस मटेरियल के तौर पर जानी जाती है। रक्षा के क्षेत्र में रॉकेट हो या मिसाइल या फिर अन्य उपकरण, इसी तरीके के कंपोजिट मटेरियल का उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइल के पुर्जों को बनाने के लिए कंपोजिट और लैमिनेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वे अक्सर हल्के, मजबूत और धातुओं की तुलना में काफ़ी टिकाऊ होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपोजिट मटेरियल होते क्या हैं। कंपोजिट मटेरियल एक स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, जिसमें कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि घटक होते हैं, जो कि एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर से बंधे रहते हैं, जिसे कि लोड बेयरिंग रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, जिसमें कि इस तरीके के मटेरियल को एम्बेड किया जाता है, जो कि मैट्रिक्स भी कहलाती है। आपको बता दें कि एक स्ट्रक्चरल कंपोजिट के लिए रीइंफोर्समेंट आमतौर पर कांच या फिर कार्बन फाइबर से होता है, और इसमें मैट्रिक्स थर्मोसेट पॉलीमर का काम करता है। वहीं किसी भी मटेरियल यानी कि धातु के विपरीत कंपोजिट खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो और हाई स्टिफनेस टू वेट रेशो होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, यानी इसका इस्तेमाल एरोस्पेस के क्षेत्र में भी किया जाता है। अब जानते हैं कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में कन्वेंशनल मटेरियल यानी कि पारंपरिक सामग्री की तुलना में कंपोजिट मटेरियल बेहतर कैसे होते हैं। दरअसल कंपोजिट अपनी हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और अपने हाई स्पेसिफिक मॉड्यूल की वजह से बेहतर होते हैं। वे धातुओं की तरह संरक्षित नहीं होते और ना ही किसी तरीके की विनाशकारी विफलता से गुजरते हैं, क्योंकि कंपोजिट मटेरियल कॉम्बिनेशन होता है रीइंफोर्सिंग और मैट्रिक्स मटेरियल का, जो कि एक वाइड रेंज प्रॉपर्टी प्रदान करता है। कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, जहां पर आमतौर पर जो पारंपरिक धातुएं होती हैं, मटेरियल्स होती हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं। यही नहीं दोस्तों, कंपोजिट अपने हाई परफॉर्मेंस मटेरियल और अपने हल्केपन की वजह से भी जाना जाता है, और ये अन्य मटेरियल्स की तुलना में काफ़ी मजबूत और कठोर होता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लंबी दूरी के जहाज, मिसाइल या एयरक्राफ्ट, इसके अलावा बड़े पेलोड ले जाना, और ये जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं, ये किसी भी हथियार का साइकिल टाइम भी कम कर देते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, इसमें लागत भी कम आती है और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। क्या भारत अपने हथियारों के स्वदेशीकरण में कंपोजिट का इस्तेमाल कर रहा है? दोस्तों, दरअसल स्वदेशी हथियारों का विकास एक हाई परफॉर्मेंस से जुड़ा है, इसीलिए कुछ क्षेत्रों में कंपोजिट होना आवश्यक भी है। वर्तमान में भारत हथियार प्रोग्राम में कंपोजिट का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें कि हमारा LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, नौसेना के जहाज़ों के सुपरस्ट्रक्चर और अलग अलग स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक मिसाइलों में कंपोनेंट्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हथियारों के कवच के लिए भी किया जाता है, जो कि रडार की ट्रांसपेरेंसी को भी कम करते हैं, जिसे कि आप स्टेल्थ के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट में इसी तरीके के एक कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि रडार की पकड़ में ना आ सके। और भारत इस तरीके के कंपोजिट मटेरियल को स्वदेशी रूप से बना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का पहला स्वदेशी कंपोजिट सोनार डोम, जिसे कि पेन बेस्ड R&D के द्वारा बनाया गया है। DRDO का दोस्तों एक अपना इतिहास रहा है कंपोजिट मटेरियल्स को बनाने का। आपको बता दें कि पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर में स्थित DRDO की प्रयोगशाला 2 दशक से अधिक समय से तीनों सेवाओं के लिए, यानी कि तीनों सेनाओं के लिए इस तरीके की कंपोजिट स्ट्रक्चर को तैयार कर रही है। इसके अलावा एरोस्पेस के क्षेत्र में इसरो, CSIR और DRDO की लैब कंपोजिट स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, और DRDO के इसी प्रयास के तहत कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड ब्रिजेस को भी तैयार किया गया है इंडियन आर्मी के लिए, जो कि इन ब्रिजेस के वजन को 40% तक हल्का कर देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन सैन्य ग्रेड कंपोजिट उत्पादों के निर्माण के लिए सपोर्ट की कमी, यानी कि इन्हें उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए, और ये अपनी बेहतर दक्षता को प्रदर्शित कर सके।
तो दोस्तों आपने जाना कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं वर्तमान में हमारे सैन्य अपग्रेडेशन, फाइटर जेट अपग्रेडेशन और नेवल अपग्रेडेशन के लिए। तो ऐसे में DRDO पूरी तरह से इसे तैयार कर रहा है और काफ़ी सफलता हमें मिली है। यही वजह है कि हमारा स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA पर इसी तरह के ये कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों कंपोजिट मटेरियल की जानकारी कोई दूसरा देश कभी नहीं देता है, चाहे वो रशिया क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, क्योंकि सभी देश इस तकनीक को गुप्त रखना चाहते हैं, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट होता है किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट का कि वो रडार की पकड़ में ना आए। तो इसीलिए इस तरीके की कोटिंग उन फाइटर जेट्स पर की जाती है ताकि उनका RCS काफ़ी कम हो सके। और यही वजह है कि भारत भी काफ़ी आगे निकल चुका है कंपोजिट मटेरियल के क्षेत्र में, लेकिन कमी है कि अभी थोड़ा सा सपोर्ट उनको और देना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार हो या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज हो जो कि इन्वेस्ट कर सके कंपोजिट मटेरियल के क्षेत्र में, ताकि भारत और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो इस क्षेत्र में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में आपकी और क्या जानकारी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।